गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? आई एम हिरलाल सर फ्रॉम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा एंड वी आर डूइंग आवर फोर्थ चैप्टर ऑफ बी हाइव. इन द लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड आवर फोर्थ चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड. And now we are on the screen, you can see easily a truly beautiful mind. And now we are going to discuss the question and answer of this chapter. Okay, तो ये बुक को मैंने किया बंद और यहाँ पर देखिए बेटा, हमारा थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट है, इसमें हम देखेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हेयर आर सम हेडिंग्स फोर पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट, राइट द नंबर ऑफ द पैराग्राफ फॉर ईच टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग. बेटा हमने ये जो दे रखा है कि भाई आइंस्टीन्स इक्वेशन, इधर हमने देखा पैसेज नंबर 9th में ये मिलेगा हमें, तो पैसेज हमने इनके सामने लिखना है. अगर आपके चैप्टर समझ में आ गया तो तुरंत आप बुक से कंसल्ट करके आप लिख सकते हो. सेकंड हमारे पास है, आइंस्टीन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ. तो आप सभी मेरे को ये बताइए, उसकी वाइफ से उसकी मुलाकात कब हुई थी? तो ये बताया गया है पैसेज नंबर 7 में. द मेकिंग ऑफ ए वायलिनिस्ट, पैसेज नंबर 3. मिलेवा एंड आइंस्टीन्स मदर, ये है पैसेज नंबर 10th में. तो इस तरह से बुक, इसके सामने आपने इनके पैसेज लिखने हैं. जैसे हमारे पास आ गया 5th, ए लेटर दैट लॉन्च द आर्म्स रेस. तो पैसेज नंबर हमारे पास आ गया ये 15. ए डेस्क ड्रॉवर फुल ऑफ आइडियाज, पैसेज नंबर 8th. मैरिज एंड डिवोर्स, पैसेज नंबर 11. इस तरह आप ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आप करोगे. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2nd जो स्टार्ट होता है उसके ऊपर आपसे बात करूंगा. हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टीन. अब आपने मेरे को ये बताना है कि आइंस्टीन के बारे में ये विचार किन किन के थे. He was boring, यानी वो बड़ा उबाऊ था. तो आप मेरे को बताओगे ये विचार किसके थे? तो इसके फ्रेंड्स के थे. आंसर देख क्या लिखोगे? In the opinions of Einstein playmates, he was boring. तो वो उसे ब्रदर बोरिंग बुलाते थे. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, He was stupid and would never succeed in life. ये किसने कहा था बेटा कि वो मूर्ख है और अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं होगा? तो देखिए आंसर क्या होगा. इट वॉज हिज हेड मास्टर्स ओपिनियन, ये उसके हेड मास्टर्स के ओपिनियन थे, दैट आइंस्टीन वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, कि वो कभी अपने जीवन में कामयाब नहीं होगा. थर्ड है, ही वॉज फ्रीक, ये किसके विचार थे? इन द ओपिनियन ऑफ हिज मदर, आइंस्टीन वाज ए फ्रीक. फ्रीक का मीनिंग यानी स्ट्रेंज, ये उसकी मदर के विचार थे. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, देखिए, एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस ऑफ द फॉलोइंग आर. चैप्टर हमारा पार्ट 1 हमारे पास है, आइंस्टीन लीविंग द स्कूल इन म्यूनिख फॉर गुड. आइंस्टीन ने अपने अच्छे के लिए म्यूनिख को छोड़ दिया था, स्कूल छोड़ दिया था म्यूनिख में, तो ये उसके लिए अच्छा था. तो आइए इसके बारे में बात करें. आइंस्टीन वाज ए स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल इन म्यूनिख, ठीक है, यानी आइंस्टीन जो था वो म्यूनिख में एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था. ही हेटेड द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ स्कूल, और उसे स्कूल के सख्त डिसिप्लिन से बड़ी नफरत थी. That is why he left school forever. इसलिए उसने स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया.
क्वेश्चन हमारे पास है, आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन इन म्यूनिक। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा बेटा, आइंस्टीन प्रीफर्ड स्विट्जरलैंड टू म्यूनिक फॉर टू रीजन, यानी आइंस्टीन ने म्यूनिक को स्विट्जरलैंड के लिए छोड़ा। उसके दो कारण हमें बताने हैं, ही वॉज बिकॉज जर्मन वॉज स्पोकन देयर। सबसे बड़ी बात जो थी बेटा स्विट्जरलैंड में, एक तो वो जर्मन स्पीकिंग था, एंड द सिटी वेयर ही वॉन्टेड टू स्टडी वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, और वो एक ऐसा शहर था जो म्यूनिक से कहीं ज़्यादा लिबरल था। तो ये आपकी समझ में शायद आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बेटा, आइंस्टीन सीन इन मिलेवा एंड एले, यानी आइंस्टीन ने मिलेवा में एक मैत्रीपूर्ण चीज देखी। इसमें हमारे पास क्या है, आइंस्टीन सा एन एली इन मिलेवा बिकॉज शी वॉज इंटेलिजेंट सोफिस्टिकेटेड एंड कल्चर्ड। आइंस्टीन ने मिलेवा के अंदर एक हम कहें मैत्रीपूर्ण रवैया देखा, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बड़ी ही दयालु थी और कल्चर्ड थी, यानी सुशिक्षित थी। उसके बाद हमारे पास है, वट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टीन, ये सारी चीज़ें आपको आइंस्टीन के बारे में क्या बताती है। तो देखिए, दीज इंस्टेंट अबाउट आइंस्टीन्स लाइफ शो दैट ही वॉज ए रिबेल, रिवोल्यूशनरी, लिबरल माइंडेड, इंटेलिजेंट, सोफिस्टिकेटेड एंड ए कल्चर्ड पर्सन। ये सारी चीज़ें हमें आइंस्टीन के जीवन के बारे में दर्शाती है कि वो बड़ा ही रिबेल, रिबेल वैसे मीनिंग होता है कोई गलत काम सहन नहीं करना, यानी विद्रोही, रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी, और लिबरल माइंडेड उदारवादी दिमाग वाला था, होशियार था, बड़ा ही हम कहेंगे सोफिस्टिकेटेड और बड़ा कल्चर्ड पर्सन था। तो ये सारी चीज़ें हमें उसके बारे में पता लगी। क्वेश्चन फोर हमारे पास है, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस एंड व्हाई। जब वो पेटेंट ऑफिस में उसने जॉब की तो उसने अपने डेस्क ड्रॉअर को क्या कहा और क्यों कहा। देखिए, व्हाइल वर्किंग एट द पेटेंट ऑफिस आइंस्टीन वॉज सीक्रेटली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज। जब वो पेटेंट ऑफिस में काम करता था तो आइंस्टीन जो है वो अपने खुद के विचार भी डेवलप कर रहा था रिलेटिविटी के बारे में, एंड वॉज कीपिंग सच पेपर इन हिज डेस्क ड्रॉअर। वो इस तरह के जो पेपर जो थे वो अपने डेस्क ड्रॉअर में वो रखता था। दैट इज व्हाई ही यूज टू कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एज द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। इसीलिए ही वो अपने डेस्क ड्रॉअर में उन सभी कागजों को रखता था, और इसलिए उसने ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स उसे कहा, क्योंकि सारे दस्तावेज वो उसके डेस्क में ही रहते थे। तो बेटा आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया है, नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन 5 से कल आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू।